Hi friends, this is Kanchan. Welcome you all to the today's vocabularies. Today we will learn two vocabs. First, ever change and second, play up. So let's understand it with the help of example sentences. I am reading it from the Femina magazine. In a world of ever changing trends, like what is ever changing? Ever changing means वो चीज़ जो हमेशा बदलता रहता है. Like आजकल के दिनों में बहुत सारी चीज़ हमेशा बदलती ही रहती है. लाइक इवर चेंजिंग फैशन ट्रेंड्स हो सकता है. इवर चेंजिंग प्रोफेशन, लाइक प्रोफेशन भी बहुत बदलता रहता है. लाइक कोई भी जॉब में आप इवर चेंजिंग मेथोडोलॉजीज भी होती है. लाइक जो मेथड्स जो चीज़ पढ़ लिया था उसके बाद कंटिन्यूस लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपडेटेड रहे, क्योंकि सारे प्रोफेशंस लगभग लाइक टीचिंग एंड सो मैनी प्रोफेशंस ऑलमोस्ट ऑल सभी इवर चेंजिंग है. तो हम इसे कहाँ कहाँ जैसे यूज़ कर सकते हैं. आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स लाइक एवर चेंजिंग लाइफ. लाइफ में कितनी बातें होती हैं, लाइक बचपन से लेकर बड़े तक, और कैसे कैसे सिचुएशंस आते हैं. तो दीज आर लाइक एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट भी होता है. एवर चेंजिंग सॉन्ग ट्रेंड्स, डांस स्टेप्स, एवर चेंजिंग मेडिटेशन स्टेप्स. आप लगभग हर बातें सोचो कि पुराने जनरेशन में जो होता था अब उसके कुछ ही दिन बाद बातें चीज़ें बदल गई. इवन कि फ़ोन का मॉडल भी इतना जल्दी बदलता है. आई कैन से कि इवर चेंजिंग फोन मॉडल्स. तो बहुत कुछ में आप इवर चेंजिंग को यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ इट इन योर डेली लाइफ. राइट नाउ सेकेंड वोकैबुलरी जो है प्ले अप. सो अगेन आई एम रीडिंग द सेंटेंस. वी हैव क्रिएटेड दिस हैंडी गाइड टू हेल्प यू लर्न हाउ टू ड्रेस फॉर योर बॉडी शेप एंड प्ले अप योर मोस्ट फेवरेट फीचर्स with the styles you have or should have in your closet. See, यहाँ पर इसे fashion के way में लिखा हुआ है, but it's not just कि ये fashion के way में ही use होता है. I take examples from Femina magazine because I know कि यहाँ पर सारे updated होते हैं, trendy vocabularies होते हैं जिसे हमें जानना चाहिए. Like play up. Play up has multiple meanings. Actually meanings एक दो ही हैं, लेकिन उसके uses multiple way में है. Let me tell you, जैसे कि play up, जैसे कि कोई रिपोर्ट आता है सपोज कोविड के, और उसमें ये दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग ठीक हो गए, लाइक परसेंटेज ऑफ जितने सही हो गए उसके ज़्यादा है और जितने लोग बीमार पड़े उसके कम है. तो वो रिपोर्ट क्या प्ले अप कर रहा है? दैट रिपोर्ट इज़ प्लेइंग अप द सीरियसनेस ऑफ कोविड. अगर सही हो गए तो ये नॉन सीरियसनेस बता रहा है, अगर ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए तो शोइंग द सीरियसनेस. तो अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा बताना चाहते हैं तो उसे हम प्ले अप करते हैं. ओके लाइक किसी रिपोर्ट को मीडिया बहुत ज़्यादा बता रही हो तो वी कैन से मीडिया इज़ प्लेइंग अप दिस इशू, प्लेइंग अप दिस न्यूज़. और अगर किसी चीज़ को छुपा रही हो तो कह सकते हैं द मीडिया इज़ डाउन प्लेइंग दिस इशू. ओके अगर हम उसको अगर फैशन के ट्रेंड फैशन के वे में भी बोलते हैं, लाइक कि अगर आप प्ले अप योर आईज, प्ले अप योर लिप्स एंड डाउन प्ले योर नोज. तो कहीं किसी फीचर को हम चाहते हैं प्ले अप इम्फेसाइज हो, किसी को चाहते हैं नॉट इम्फेसाइज हो, उस पर ध्यान ना जाए. जैसे कि प्ले अप योर चिक बोन्स. तो ये हुआ फैशन में. और इसका और भी जो मीनिंग है, लाइक कोई भी समबडी हो या सम पर्सन हो, कोई इंसान हो या कोई मशीन हो, कुछ भी अगर वो सही से वर्क नहीं कर रहा है तो हम उसे कहते हैं प्ले अप करना. जैसे कि हम कहते हैं ना गेम कर गया यार, मतलब सही नहीं करा. तो जैसे कि आई एम टेकिंग एग्जांपल, फर्स्ट बच्चे से ले रही हूँ. जैसे कि माय ब्रदर एंजल यूजुअली प्लेज अप व्हेन आई एम ऑन कॉल. जब मैं कॉल पे होती हूँ तो अक्सर वो प्ले अप करता है, मतलब वो ऐसी हरकत करता है, इतना नॉटी और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि मैं उस वक्त मतलब काम में होती हूँ और वो डिस्टर्ब कर रहा होता है. और अगर जैसे कि हम इस वे में भी इसको ले सकते हैं कि अगर मेरे फ़ोन बार बार ख़राब हो जा रहे हैं, हैंग कर जा रहे हैं, या किसी का कार बार बार ख़राब हो जाता है, तो मतलब डैट समथिंग इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो कह सकते हैं माय कार यूजुअली प्लेज अप, माय फ़ोन हैज़ बीन प्लेइंग अप सिंस स्टार्ट. शुरू से ये ख़राब होते आया है, प्लेइंग अप. तो इस तरह से हम किसी चीज़ में भी यूज़ कर लिए, इसके किसी पर्सन में भी यूज़ कर लिए. तो प्ले अप मीन्स हाईलाइट करना है एक मीनिंग. दूसरा मीनिंग है कोई चीज़ अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो उसे हम कहते हैं प्ले अप करना.
ओके गाइज, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज टू वोकैबुलरीज इन डिटेल, एंड आई जस्ट रिकमेंड यू टू यूज इट इन योर डेली लाइफ, बिकॉज देयर वुड बी सो मेनी थिंग्स. अगर आप मेल भी भेज रहे हो, अगर हमारी कुछ गलती होती है तो हम कैसे अपनी बात को चाहते हैं डाउन प्ले कर ले जिससे मेरी गलती छुप जाए. और अगर कोई हमारे मतलब इन्हें भी भेज रहा हो काइंड ऑफ, अगर किसी को हमारी गलती दिखाना है, वो चाह रहा है इम्फेसाइज करना, तो वो हमारी वाली बात को प्ले अप करेगा, वो ऐसा रिपोर्ट देगा जिसमें हमारी मिस्टेक्स इम्फेसाइज हो. तो द रिपोर्ट विल प्ले अप द सीरियसनेस, जो हमने किया है, जो गलती किया है उसको प्ले अप करेंगे. ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव योर नाइस डे. सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब.